नमस्कार, मैं उषा और आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आइए जानते हैं हल्द्वानी की तमाम खबरें। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आज हल्द्वानी के SDM कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रजिस्टर में कर्मचारियों की उपस्थिति चेक की, साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय और प्राधिकरण कार्यालय को भी चेक किया। वहीं कुमाऊं कमिश्नर ने गंदगी और पार्किंग में खामियां मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई। इस दौरान कमिश्नर ने SDM कार्यालय में काम कराने आए लोगों से भी बातचीत की, साथ ही SDM और सिटी मजिस्ट्रेट को सभी व्यवस्थाएं सही करने के निर्देश दिए। आज नैनीताल रोड कोऑपरेटिव बैंक तिराहे के पास स्कूटी पर बड़ी संख्या में मोबाइल ले जा रहे दो लोगों को कमिश्नर दीपक रावत ने पूछताछ के लिए अपने पास बुलाया और मोबाइल की खरीदारी से जुड़े GST के पेपर चेक किए। जानकारी के मुताबिक मोबाइल ले जा रहे व्यक्तियों ने कमिश्नर दीपक रावत को बताया कि ये मोबाइल फोन हल्द्वानी के प्रतिष्ठित मंगल सेल्स के हैं, जिनकी आवास विकास में दुकान है। इसके बाद कमिश्नर दीपक रावत GST के पेपर अपने कैंप ऑफिस ले गए और GST के अधिकारियों से मोबाइल के GST से जुड़े कागजात को चेक करवाया। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गौला नदी के खनन को निजी हाथों में देने के खिलाफ राज्य सरकार पर हमला बोला। इस दौरान सुमित हृदेश ने गौला खनन संघर्ष समिति को अपना समर्थन देते हुए कहा कि गौला नदी से हल्द्वानी की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है और सरकार खनन को निजी हाथों में दे रही है। इसके अलावा वाहनों का फिटनेस पहले ही निजी हाथों में दे दिया गया है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। राज्य सरकार अब लोगों से रोजगार छीनकर माफिया राज फैलाना चाहती है। रॉयल्टी और गाड़ियों के फिटनेस निजी हाथों में देने के विरोध में हल्द्वानी में खनन कारोबारियों पिछले 3 महीने से अलग अलग तरीकों से धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, लेकिन 3 महीने बाद भी खनन कारोबारियों की मांग पूरी नहीं होने से खनन कारोबारियों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जहां आज फिर भारी संख्या में खनन कारोबारी ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। हल्द्वानी में बीती शाम मंगल पड़ाव स्थित नानक स्वीट्स के पास शराब पीकर सड़क किनारे खड़े चाचा भतीजे से एक लुटेरे ने 10,000 रुपए लूट लिए। इसका विरोध करने पर लुटेरे ने चाचा भतीजे पर चाकू और ब्लेड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जबकि घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरा वहां से फरार हो गया। वहीं गंभीर अवस्था में दोनों को बेस अस्पताल ले जाया गया, साथ ही घटना की सूचना पर पुलिस अब लुटेरे की तलाश में जुट गई है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।